तो जस्ट मुझे अभी आया एक कॉल, और हमेशा मुझे जो फोन की शुरुआत है या तो मेरे घर से होती है या फिर मेरे पार्सल वालों से होती है। तो मैंने न्यू गैस स्टोव मंगवाया था और बस वो आ रहे हैं भैया लेके। सबसे अच्छी बात की आज लकी घर पे है ना, तो जब लकी घर पे होते हैं तो मेरी सारी चीजों को अच्छे से असेंबल कर देते हैं। तो वेलकम बैक मान्या व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लकी। आगे एक दिन बाद, मतलब वही तीसरा दिन लग जाता है। परसों निकले, कल का दिन और आ जाए। कंटिन्यू 72 आवर्स सिर्फ ट्रैवल। और ये आ गया है हमारा न्यू गैस चूल्हा है। अल्टमाइज इसको घुमा के सीधा करो पहले। रिटर्न ही तो अपन ने मैनुअल की वजह से किया था ना बेटा। तो ये हमारा न्यू गैस चूल्हा है गाइस। ये हमने 4 बर्नर ऑटोमेटिक हॉब वाला मंगवाया है। सब है, सब आएगा। उसमें स्मॉल है, देखो ये साइज है, ये बिगर, ये स्मॉल है, ये भी लो। मुझे नहीं लग रहा ये ऑटोमेटिक आया दोबारा से। ये साउंड ही नहीं कर रहा, बोलते ये साउंड करता है। तो हमारा हुरैन तो हर काम में सबसे आगे है ना हुरैन। ये मटर छिल्ला है। तो लकी ने इसमें जो है यहाँ पे एक सेल लगता है जिससे ये ऑटोमेटिकली ऑन होगा। सो गाइस बहुत ही प्यारा सा गैस स्टोव रिसीव हो गया है। एक्चुअली मुझे एक हफ्ता पहले जो था गैस स्टोव रिसीव हुआ था वो ना थोड़ा सा लाइक उसमें इशू था या पता नहीं क्या, बट वो मैनुअल था, मतलब वो ऑटोमेटिक नहीं था। अब सेलर ने मुझे ऑटोमेटिक हॉब वाला सेंड किया है। क्वालिटी बहुत औसम है। तो हम मैं सोच रही हूँ कुछ मीठा बनाते हैं, बट हमारे मिस्टर इंडिया बोल रहे हैं कि पहले चाय बना लो। तो पहले चाय से शुभारंभ करते हैं। वाला गैस अब इसमें डाल के रख देंगे गाइस। हमें बहुत अच्छा एक गैस स्टोव मिल गया है। विनीता को दे दो, देखो कल गन्ना नहीं दे रहा था, आज का था गैस स्टोव दे दो। तो इसमें बनने लग गया है खाना। सबसे पहले हमने इसमें बनाया था मीठा और अब मैंने यहाँ पे रखा है पानी। इसमें डालूंगी देसी घी। गाइस मुझे रिसीव हो गए पार्सल। रहा नहीं जा रहा है, इसे खोल के देखती हूँ। वाओ प्योर शिफॉन का आउटफिट है ये, और अच्छा मेरा फेवरेट ब्रांड बना हुआ है। पता नहीं क्या है, मुझे पर्पल 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 ज्यादा ही नहीं हो रहे। ये इसका प्रिंटेड दुपट्टा, ये है इसका चूड़ीदार जो यूजलेस है। इलास्टिक है, वेयर कर सकते हैं, बट आई एम नॉट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, यू नो माय गॉड। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है और ये वनमी ब्रांड का है, लेकिन इसका प्राइस है 4800 और समथिंग, मतलब 5000 का है ये ड्रेस। तो ये मुझे मिंत्रा से रिसीव हुआ है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी से वेयर करूंगी। मुझे एक्चुअली एक रील बनानी है तो उसमें वेयर करूंगी। ये तो मेरा जीन्स है गाइस। तो ये रोड स्टार ब्रांड का है और जब ट्राई करूंगी तो दिखेगा क्या। एक्चुअली मैंने पता है ग्रीन कलर का अर्बेनिक से शर्ट मंगवाया हुआ था, जिसके साथ मुझे बॉटम चाहिए था वाइट, जो मैंने अभी तक नहीं मंगवाया है। तो इसके साथ मेरा बैग, फुटवेयर, शर्ट, सब एक्सेसरीज, सब कुछ आ गया, बस पैंट की कमी थी तो वो भी मंगवाया। चलो जी अब लगते हैं काम पे। और यहाँ पे ये बाप बेटी झगड़ा करते हुए ये इतना यहाँ पे है मेरी जानू। ओए आ गई अभी जस्ट, पता है ये मुझे शॉप पे लेके गया, इसने इतना कुछ लिया। हुरैन को भी ये चटरी पटरी बेकार चीजें ले लेके खिलवाता है ये, है ना। मैम कितने बजे आएंगे? वो देखो गन्ने भी इसने अपने बेडरूम में रखे हैं, ये देख लो, ये ऐसे खाते हैं और यहीं पे। मेरे गन्नों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, है ना। और खांसी वाले दुनिया की आ जाए, नॉनसेंस। ये देखो अल्तमश ने आज मेरी स्लीपर पहना और ये तोड़ भी दिया। अब जब ये स्लीपर टूटी मैंने लकी को बताया, तो इन्होंने अपनी एक स्टोरी मेरे साथ शेयर की। बताने का कष्ट करेंगे आप?
मैं बोला कि बचपन में पैरागॉन वगैरह रहती थी, बाटा की रहती थी ना चप्पल, हम लेते थे 20 रुपये 25 रुपये बचपन में, सबसे अच्छी रहती थी। तो वो टूट जाती थी या घिस जाती थी ना, उसके बेल्ट जो रहते थे निकल जाते या टूट जाते, हम घर में सीते थे। 50 पैसे 1 रुपया लगता था सिलवाने को, तो वो भी बचाते थे। और अगर बाय चांस हो गया तो उसके बेल्ट हम खरीद के लाते थे। कितने कितने के मिलते थे वो? 5-5 रुपीज के वो लाके डाल लेते थे। हाँ तो वो लाते थे चप्पल घिसे। आज देखो ना चप्पल जूते न्यू ब्रांडेड इतने पड़ेगी, नंबर नहीं आता मेरे पास। अभी यहाँ पे 25 है, नागपुर में 20-25 शूज न्यू पड़े होंगे। हाँ ना पुणे में पड़े हैं। डैडी के साथ फुटबॉल के पड़े हैं। देखो आपने तोड़ दिए, चलो बैठ के सिलो इसको, जल्दी सिलो। डैडी से इंस्पायर होके चलो। हमेशा सारे कहते हैं कि आप जो भी ड्रेसेस वेयर करती है, अगर वो ऑनलाइन है या फिर आपने लिए लाइक कहीं से, तो उसकी अगर कोई लिंक हो सकती है तो वो जरूर से प्रोवाइड करे। तो अब से मेरे जो ड्रेसेस होगी, अगर मैं उसको ब्लॉग में बताती हूँ देन ओके, अदरवाइज मैं प्रोवाइड कर दिया करूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो आज जो ड्रेस मैंने वेयर किया है ना, ये हाउस ऑफ जिमोटिका है और वेलवेट का डिजाइनर, बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट है ये, बहुत ही प्यारे से शिफॉन के दुपट्टा के साथ। तो चलो अब नीचे चलते हैं। इतना नलायक बच्चा है देखो मेरा, इसको मैंने कहा थोड़ा सबर कर ले, मैं घर पे बना के देती हूँ, बट नहीं, इन्होंने ऑर्डर किया छोले कुलचे। नहीं तुम नहीं, अभी पार्टी चेंज कर रहे हैं आप। ये इतने से पता है 160 के, जब मैंने बोला नद्दा मैं इसे घर पे बना के देती हूँ, तो लकी पता है क्या बोले, नहीं नहीं उसको ऑर्डर करके मंगा दो जल्दी, उसको भूख लग रही है, उसका दिल कर रहा है। अरे हाँ तो वेट नहीं करता ना, तो दिमाग खराब करता है। हाँ वही तो मैं खुद कहती हूँ कि ये चीजें घर पे बनी हुई खिलाओ। गाइस देखो वहाँ पे मेरा अवार्ड रखा हुआ है, वहाँ पे लकी ने रखा है वो। जंप करो, जंप करो। हुरैन जा रही है बर्थडे पार्टी में, है ना? किसका बर्थडे? विनीता के भाई का। तो हुरैन जा रही है स्पेशल गेस्ट, है ना? हुरी बाय कर दो, बाय बाय करो। चलो जाओ अच्छे से इंजॉय करके आओ, ठीक है? पानी की बोतल ले लो। हाँ ये भी ले लो। बाय कर दो। बाय बाय। मैं आती हूँ लेने, ठीक है? ओके टाटा। हुरैन गई विनीता के साथ और मैं जाऊंगी एक्चुअली उसको आधे घंटे में लेने के लिए। मैंने सोचा उसको लेने जाऊं, उससे पहले ना मैं क्विक बिरयानी बना लेती हूँ, क्विक लाइक एकदम ही क्विक, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट बनेगी, इजी, जिन्होंने कभी नहीं बनाई उनके लिए बहुत अच्छी है। और उसके बाद फिर निकलते हैं क्योंकि मुझे विनीता के भाई को सगन भी देना है। तो बस चाय देती हूँ और फिर यहाँ पे मसाला हो गया है लाल, मटन हो गया है बॉयल, राइस अलग से बॉयल हो रहा है, मसाले में डाल देंगे नॉनवेज। यहाँ पे कट कर लिया है लंबा लंबा प्याज, यहाँ पे गरम गरम तेल में डाल दिया है प्याज। यहाँ पे राइस को हमको सिर्फ 90% ही पकाना है, तो ये पक रहा है। यहाँ पे राइस को हमने पूरा ही स्टेन कर लिया है, बस अब जैसे ही खोलेगा इसके ऊपर ऊपर राइस डाल देंगे। तो राइस को पूरा ही फैला दिया है, तो इसको हमने सिम फ्लेम पे रख दिया है और जो फूड कलर होता है वो डाल दिया है और जो प्याज फ्राई किए थे वो भी डाल दिए हैं। अब इसको हम ढक देंगे। कम से कम 5 मिनट का दम आ गया है और 5 मिनट के दम पे एक नंबर बिरयानी बन के रेडी होगी। बिरयानी के मजे आके लेंगे, अभी मैं जाके आती हूँ। और पता है हमारे घर कुक के हाथ की बिरयानी नहीं पसंद, मेरे हाथ की चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे नहीं आता फिर भी चाहिए। इतनी नालायक है, इसके घर में बर्थडे का, भाई का बर्थडे, और ये मेरे साथ ही वापस आ गई। और हुरैन ने आके चेंज कर लिया क्योंकि ये डॉगी के साथ खेल के आया था, ये पप्पी पप्पी के साथ बहुत खेल के आया था। और मेरा यहाँ छोटा सा पप्पी है, मुझे गिफ्ट किया है। और वो हुरैन का फेवरेट है ना। अब क्या प्लान है, चलना है तिल के लड्डू लेने? चलना है ये मेरे को पता है, तुम इसीलिए तो आई हो, तुमको ऐसा है मैं चलूंगी आपके साथ, है ना? मैंने वहां बोल दिया अरे मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है, इसके बाद लकी को निकलना है, तो मैं चल रही बोल के आ गई। मेरे पे जान पर आ रहा था जाना।
गाइस डियर हबी निकल रहे थे और जस्ट अभी डियर हबी की जाने की फ्लाइट और वापस आने की फ्लाइट दोनों कैंसिल कर दी है। अभी अभी की फ्लाइट थी 10 बजे की, मेरी टाइम दिखाओ। टाइम हो रहा है 6:30 और लकी के इतने जान पे आ रहा था, है ना। ये वेरी हैप्पी गाइस, बहुत जर्नी हो जा रही, मेरा रेस्टोरेंट बहुत भागदौड़ हो जा रही। और जाने वाली फ्लाइट इनका वो नहीं था, है ना, क्या कैंसिल जो हो जाए तो पैसे वापस वाली नहीं थी, तो वो पैसे पूरे गए। और जो आने वाली फ्लाइट की थी वो तुमने की थी ना, उसके पैसे मिलेंगे थोड़े बहुत कट के। तो आज लकी ने काफी अच्छी हमें चपेट मारी है। मेरे एक्चुअल में मूड ही नहीं था जाने का। देखो अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, ठीक है। हाँ कल हम दोनों डेट पे चले, मैं सोने की बात कर रहा हूँ, डेट की बात कर रहा हूँ। कितना शादी के बाद कितना फर्क आ जाता है, डेट का नाम लो तो चलना वे। अच्छा ऐसे क्यों बोले चलना वे, मतलब तो फर्क नहीं आता। लेके जाता हूँ। हाँ अरे ये तो है, इतने दूर दूर। और अब लकी हमारे लिए काफी अच्छी ट्रिप प्लान कर रहे हैं ना। ये अभी भी जाएगी, विंटर में समर में क्रूज चलेगी। हाँ इंशाल्लाह। हम गाइस क्रूज गए थे मेरा ख्याल है कुछ 4 साल पहले ना, तो अभी हम फिर से प्लान करेंगे। रूट पकड़ेंगे। ठीक है। यूके और ओके। दुबई टू यूके। लग रहा है सनसेट हमारे घर के पास से। हम एक्चुअली बाहर जा रहे हैं मार्केट और रास्ते में रुक के ये शूट इतना अच्छा लग रहा था, तो वी सेड कि चलो यार पहले अपन इसका शूट लेते हैं। शर्मी आती रुका के वीडियो लेने लगा रही, गाड़ी को रुकवा के लेने लग गई। रैन क्या पागल बनती है ये कैसे पागल लोगों के साथ आई हो तुम। हमने क्या किया, तिल के लड्डू लिए, पेट्रोल डलवाया, थोड़े से पैसे बच गए। और आप पानी पूरी खाएंगे? नहीं मुझे तो जुकाम है, मैं आलू टिक्की बनवा रही हूँ। हाँ मैं तो पानी पूरी खाऊंगी। हाँ और हम लोग पार्सल लेके घर जा रहे हैं। रैन क्या खा रहा है? हाँ। क्या खा रहा है? वाओ। आगे घर और मैं लेने गई थी तिल के लड्डू, मैं लेकर आई हूँ ये यम्मी तिल के लड्डू और साथ ही हम लेकर आए हैं आलू टिक्की। तो अभी हम ये इंजॉय करेंगे। अप्पा खोल दो, लाओ इधर। अच्छा प्यार से बोलो मन्ना उठ जाओ। अच्छा। तुम बहुत भारी हो। मुझे बोलने लग गए, अरे मन आ रही था ना तो पता नहीं एनर्जी नहीं कल से मेरे में, लोगों ने इतना दिमाग खराब करके रखे मेरे। अरे मारो जाके, बोल रही हूँ मारो जाके। लाओ का वक्त लाओ का खतरनाक। नहीं नहीं तुम मजाक में रहो, सीरियस मत लो। मैं मजाक कर रही हूँ। नो मैं मजाक कर रही हूँ, मैं सीरियस नहीं बोल रही हूँ भाई। मैं तो लकी को बहुत कूल डाउन करती हूँ। कोई ना। गुड मॉर्निंग। तो लकी आज जिम से आते ही निकल गए, बहुत जल्दी में थे, अल्तमज भी गया हुआ है, तो बस हुरैन और मैं और आंटी है इस टाइम पे घर पे। और आज जो है मैंने मेरे गेस्टों पे लगाना है फॉइल पेपर, क्योंकि इससे पहले मैंने लगाया नहीं था, कभी सोचा नहीं। बट सेलर ने दिस टाइम जब मुझसे बात हुई तो कहा कि मैम आप हमारी कंपनी का एक वीडियो बना हुआ है, मैं आपको सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप ना उसके अकॉर्डिंग जो है फॉइल पेपर अप्लाई कर ले, इससे गेस्ट स्टोव का शेल्फ भी बढ़ेगा और सेफ रहेगा, आपको भी इजी हो जाएगा उसकी सफाई रखना मेंटेन करना। तो बस अब मैं वो करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी और कंटिन्यू बने रहें, दुआओं में याद रखें, कमेंट करना मत भूलना, बहुत सारा प्यार देना। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग मिस मत करना, बहुत स्पेशल है।